सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे यूट्यूबर और क्रिटिक्स की तरह ने एक पाकिस्तानी आवाम की तरह बात करने हूं, इसलिए मैंने हरी रंग की टी शर्ट पहनी है। 1999 फक्र है, 2003 फक्र है, 2007 फक्र है, 2015 फक्र है, 2019 फक्र है, 2023 फक्र है। कब तक ये फक्र के चक्कर में हमारा फक करते रहोगे पाकिस्तान टीम? कब तक हम कुदरत के निजाम पे टिके रहेंगे? कब तक हम बारिश पे टिके रहेंगे? कब तक हम रन रेट पे टिके रहेंगे? क्यों नहीं होगा जब हमारी पाकिस्तान टीम परफॉर्म करे? 1999 में तुम बांग्लादेश से हारे, 2007 में तुम आयरलैंड जैसी टीम से हारते हो, 2019 में तुम जिम्बाब्वे से हारते हो और 2023 में तुम अफगानिस्तान से हारते हो। क्या रह गई है तुम्हारी टीम? लास्ट बार तो वो सैफ भाई को वापस बुला दिया, बोला कैप्टनशिप निकालो। अब कौन लेगा इस हार का जिम्मा? कौन है इस हार का जिम्मा बताओ? एक भी ढंग का क्रिकेट खेले हो तुम? आज बारिश होनी थी वहां पे, लेकिन बारिश हुई पाकिस्तान की के आवाम के दिल में। ये दिल में बारिश हुई है, आंख से सैलाब बहा है, आंसू निकले हैं आंख से, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की आवाम दुआ कर रही थी अल्लाह मियां से कि काश आज बारिश हो जाए, पाकिस्तान पहुंच जाए। लेकिन काश उससे नहीं चलता है, ये ऐसा नहीं चलता है कि दिल पाकिस्तान नहीं बजा तो गेम ये है, गेम हमारा नहीं है। ये ऐसा नहीं चलता है कि हिंदुस्तानियों को अलग बॉल दी गई है, हमें अलग बॉल दी गई है। ऐसे झुठलावे पे ना जाए और आप अपना क्रिकेट खेले। कब तक तुम 8 मैच में 5 मैच में पाकिस्तान टीम 50 ओवर नहीं खेल पाई है? ऐसे टीम को सेमीफाइनल खेलना चाहिए? आप जवाब दे, ऐसे टीम को सेमीफाइनल खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? आपका नंबर वन बैट्समैन थे आप, नंबर वन बॉलर थे आप, नंबर वन टीम थे आप, अब एक घंटा का नंबर वन, ऐसा नंबर वन रह के क्या फायदा जो कि सेमीज पे नहीं जीत जा पाए? अगर ये अफगानिस्तान मैच हरा दे तो तुम्हारा नंबर सिक्स पे आ जाओगे तुम, ये पांचवे नंबर पे भी, चलो नंबर वन तो छोड़ो। और तुमको अभी इंग्लैंड, और लोग ऐसे दुआ करें कि तुम इंग्लैंड से जीत जाओगे। मतलब इंग्लैंड से कैसे जीत जाओगे? तुमसे 400 रन बनेगा? 400 रन तो तुम्हारे बॉलर खाते हैं भाई, हमारे बॉलर खाते हैं 400 रन, ना कि हमारे बॉलर स्कोर करते हैं 400 रन। भाई कैसे बनेगा 400 रन? कौन बनाएगा 400 रन? एक दिन फकर का थोड़ा बल्ला चल गया तो पूरी आवाम ऐसे हो गई कि फकर फकर फकर। अरे फकर जो था एशिया कप में उसे खिलाए थे, क्या हालत किया था पता है ना तुम लोगों को? क्यों नहीं खिलाया गया था? तुम लोग सिर्फ फकर 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 करते रहे। फकर हमेशा पाकिस्तान टीम को फक कराया, एक आध दिन वो चल गया तो चल गया। अभी कब तक तुम एक आध परफॉर्मेंस पे बात करोगे? बाबर आजम नंबर वन बैट्समैन, पिछले 8 इनिंग में 228 रन बनाया बाबर आजम ने, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट है 80, 80 के स्ट्राइक रेट से बनाया। ऐसे नंबर वन बैट्समैन जो फर्स्ट डाउन पे आता है, वैसे नंबर वन बैट्समैन अगर 80 के स्ट्राइक रेट से मारे, 450 भी मारी उसने, तो उसके बाद वाले बैट्समैन पे क्या प्रेशर हो जाता है मालूम है तुमको? तुम्हारे पास एक स्पिन बॉलर नहीं है तो लास्ट मैच में तुम 4 पेसर के साथ उतरे, तुम्हारे मेन स्पिनर सादाब खान को बिठा दिए, उसामा मीर को बिठा दिए तुम। तुम्हारे पास नाम के लिए अभी एक स्पिनर जो है उसका नाम है चाचा, वही अभी बेस्ट स्पिनर तुम्हारे टीम में। ऐसी टीम से तुम खेलोगे? ऐसी टीम से तुम जीतोगे सेमीफाइनल? भैया क्या है पाकिस्तान टीम? ये वो पाकिस्तान टीम है जो सईद अकबर एजाज अहमद वाली पाकिस्तान टीम थी, वसीम अकरम वाली पाकिस्तान टीम थी, वकार यूनिस वाली पाकिस्तान टीम थी, और अभी की पाकिस्तान टीम बाबर आजम वाली पाकिस्तान टीम, मोहम्मद रिजवान वाली पाकिस्तान टीम, जिसे बस नवाज पढ़ने आता है जब वो जीतते हैं, बस जब हार है तो कहां नवाज है तुम्हारी? भैया वो रिजवान ओठ में व्हाइट लिपस्टिक लगा के क्या दिखाना चाहता है समझ नहीं आता है मुझे। और बाबर आजम तुमसे तो सबसे ज्यादा गिला सिखवा है, तुमने हमारे दोस्तों तुम अपने दोस्तों को खिलाया। लास्ट 4 साल में पाकिस्तान टीम जो बाबर आजम जब से कप्तान है, क्या अचीवमेंट है बाबर आजम का मुझे बता दे आज, क्या अचीवमेंट है? टेस्ट पहली बार टेस्ट पाकिस्तान में फिर से हुआ, न्यूजीलैंड ने घुस के पेला तुम्हें, ऑस्ट्रेलिया ने घुस के पेला तुम्हें तुम्हारे ग्राउंड में, टेस्ट ग्राउंड में। भैया क्या कर रहे हो तुम पाकिस्तान टीम, क्या कर रहे हो? हमारी जो आवाम है एक ही चीज पे तो टिकी है, और वो चीज है क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। और उसमें भी अगर इस हिसाब से हमें हमारे जाति होना पड़े, हमारा मजाक उड़े, तो ऐसी क्रिकेट खेलने से क्या ही फायदा? मत खेलो तुम क्रिकेट, बैठ जाओ चूड़िया पहन के घर पे, तुम्हारे से अच्छा तो निदादार खेलती है। तुम क्या ही घटिया क्रिकेट का प्रदर्शन कर रहे हो तुम लोग, समझ नहीं आता। वो जो बॉलर है तुम्हारा शाहीन सा अफरीदी हारिस रहो, 90 रन खा रहे हैं, मतलब कि ये घंटा के नंबर वन बॉलर। और मुझे तो समझ नहीं आता है कि कौन है पाकिस्तान टीम का सपोर्टर। तुम लोग तो बांग्लादेश टीम के सपोर्टर लोग तो एटलीस्ट थोड़ा सा उम्मीद भी रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम के सपोर्टर भाई कुछ उम्मीद ही ना रखे। बांग्लादेश की टीम के सपोर्टर इज इक्वल टू पाकिस्तान के सपोर्टर। हो गया ये वर्ल्ड कप खत्म, अभी क्या होगा कि बाबर आजम दुआ
दुआ करता हूँ भगवान से, या अल्लाह बाबर आजम को 100 दे दे अगले मैच में या 50 दे दे ताकि सुमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि अगले 7-8 महीने तो ओडीआई होना नहीं है, बाबर आजम फिर से नंबर वन रहेगा, फिर से हम लोग अपना जश्न मनाएंगे कि हम लोग नंबर वन टीम है। ये जो बबल का नंबर वन टीम है इसको रख ले और अपना पिछवाड़े में डाल ले पाकिस्तान की पूरी पूरी टीम। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती है, वो बात ये है कि जो टीम में नहीं है, जो टीम में नहीं है, जो अगले प्रबल दावेदार है, जैसे इमाद वसीम का नाम बहुत आ रहा है, तो इमाद वसीम टीवी पे शो कर ना कि डोमेस्टिक खेल रहे भैया, वो मोहम्मद आमिर आने का, मोहम्मद आमिर बोल रहे कि मेरे को खिलाओ आऊंगा मैं, तो भैया तुम टीवी पे शो कर रहे हो, डोमेस्टिक खेल ले रहे हो, अब फिर तुम्हें इमाद वसीम को ले लिया जाएगा। अभी इमाद वसीम से पूछा गया कि आप टीवी पे शो क्यों कर रहे हो, तो वो बोल रहे कि मैं जब खेला तो परफॉर्मेंस नहीं हुई, जब मैं खेल रहा था जब परफॉर्मेंस थी तो टीम में नहीं लिया गया, तो अभी बिना खेले तो कैसे आ जाओगे भाई। मतलब ऐसे ऐसे जो तुम्हारे यहाँ लोग हैं, अब फिर तुम इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जैसे लोगों का सपोर्ट करते हो, तो वल्लाह तुम खुश रहो पाकिस्तान टीम, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाक सर जमी आसमान, मुल्क के सदीन साथ बाद, दिल दिल पाकिस्तान, मिलते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप पे, तब तक के लिए तुम्हारा बाय।